इंदौर के तुकोगंज थाना क्षेत्र में एक गार्ड ने खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए एमवी अस्पताल पहुंचाया है। हालांकि उसने ये कदम क्यों उठाया और गोली अपने आप चली थी या गार्ड ने खुद को गोली मारी है, इस बात की जांच पुलिस फिलहाल कर रही है। घटना इंदौर के तुकोगंज थाना क्षेत्र की है, जहां कोटक महिंद्रा बैंक के कैश कलेक्शन वाहन के गार्ड चरण सिंह ने खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली। हालांकि चरण सिंह ने खुद को गोली क्यों मारी इस बात का पता नहीं लग पाया है। फिलहाल मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए एमवी अस्पताल पहुंचाया है। दरअसल चेकमेट कंपनी कैश कलेक्शन का काम करती है, जिसमें चरण सिंह गार्ड के रूप में काम करता था, जहां ड्यूटी के दौरान चरण सिंह के पास 12 बोर की राइफल भी रहती थी। जब गाड़ी बैंक के बाहर पहुंची और सुपरवाइजर और गार्ड कैश लेकर अंदर आए, तभी अचानक से कर्मचारियों को गोली चलने की आवाज सुनाई दी और जब गाड़ी में देखा तो चरण सिंह खून से लथपथ पड़ा हुआ था, जिसकी सूचना तुरंत पुलिस को दी गई। भाई एक मिनट देता रहा। तो भाई क्या हुआ था? पता नहीं, हम तो बैठे थे, उसके हाथ से चल गए, क्या मालूम क्या हुआ। चल गई या खुद ही मारी थी गोली? चल गई या मारी है उनको पता नहीं सर। तो आगे बैठा था, आगे बैठे थे, क्या आवाज आई तुम्हारे को? आवाज है, एकदम धमाका हुआ। हाँ, देखा पूरी शर्ट भी खराब हो गई मेरी, देखा मैं डरा, एकदम भागा बाहर। क्या खुद ही चली कि खुद ने मारी? वो तो मालूम नहीं, मैं तो आगे मुंह करके बैठा था। वो गनमैन साहब भी बैठा था, वो लोडर भी बैठा था, चार जने बैठे थे। कौन तो बैठे थे? चार लोग थे ना। गनमैन बैठा था आगे, एक गनमैन आगे बैठा था और पीछे बैठा था। तुम कहाँ बैठे थे? वो गनमैन कहाँ गया? वो खड़े ना। कौन था? बात तो नहीं हुआ था आपस में? नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं, मतलब खुद ही चली गोली। हाँ, उसके हाथ से गलती से चल गई। आपका नाम क्या? आपका नाम अनिल। अनिल, अनिल चरणजीत सिंह करके है, 50 साल के हैं ये। कोटक महिंद्रा कंपनी में गार्ड थे, चेकमेट कंपनी की गाड़ी थी जो पैसा लाने ले जाने का काम करती है, और 12:15 बजे से गाड़ी यहीं खड़ी थी और इनकी राइफल से, खुद की राइफल से गोली चलने से इनकी मृत्यु हो गई। घटनास्थल पर मौत हो गई? हाँ, घटनास्थल पर, क्योंकि उसका पूरा सिर उड़ गया था। एम्बुलेंस पहुंचा दिया पीएम के लिए। अभी बात कर रहे हैं, अभी तो परिजनों से भी और कंपनी वालों से भी, पर अभी तो प्राथमिक रूप से थोड़ी देर पहले की घटना है तो उनको पहुंचा दिया।